माशा ने इतनी ज़्यादा वो बातें कर दी, थोड़ी सी मैं कारी साहब की बात की कंटिन्यूटी करूँगा। मैं मेरा नाम कलीम है और यहाँ पे मैं आया हूँ अरबी ग्रामर के शौक में पहुँच गया और कारी साहब के हाथ लग गया। और कारी साहब ने क्या छोटा सा उस्ताद बना दिया कि मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर आया हूँ तो एक काम ये हुआ कि मुझे पढ़ाना आ गया। आप लोगों का भी पहला लेवल है या दूसरा लेवल है, आपकी स्टेज भी ये है कि आपने हर बंदे ने अपने अपने इलाके में चार छह लोगों को पढ़ाना है, ये नहीं कि सिर्फ इधर पढ़े के बस ये आपका काम खत्म हो गया। तो आप भी इस जाल में फंस चुके हैं। पढ़ाने का ये था कि बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी, इन्होंने इधर ही खड़ा कर दिया, चार लेसन सुनाए और वो थोड़ी होता ना वो चाका खुल गया। तो अभी मैंने किया ये है कि मैं रहता हूँ BCSIR में और वहाँ पे मैंने पिछले चार महीने से पढ़ा रहा था। मेरे पास चार पांच लोग आए, माशाल्लाह उनकी उम्रें भी बड़ी थी, कोई छोटा एक आज छोटी उम्र के भी थे, लेकिन ये कि इसके अंदर इतनी शेरीनी और इतनी मिठास है कि वो हिले ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अरबी ग्रामर का जिसको थोड़ा सा शौक पड़ गए, ये सारी चीज शौक की है। तो उससे ये हुआ कि चार महीने से पढ़ा रहा था तो उनको मैंने माजी सारा पढ़ा दिया था और फिर मेरे थोड़ा सा जज्बा ये पैदा हुआ कि क्यों ना इस बड़ी मस्जिद को पकड़ा जाए। तो पिछले दो महीने से मैं पूरी कोशिश कर रहा था किसी तरीके से, क्योंकि आपको पता है मस्जिद के अंदर एंट्रेंस आजकल बहुत ही मुश्किल है कि आप उधर पेनिट्रेट कर लें। तो दूसरी मस्जिद में मैं पिछले दो महीने से लगा हुआ था, वो आज बता रहे हैं कल बता रहे हैं। खैर उन्होंने फिर मुझे, अब मैं बड़ा शौक में पिछले ये जो जुमेरात थी, जुमेरात में मेरी पहली क्लास थी कि मैंने बड़ी मस्जिद में एंट्री करनी है। मैं अपने मनमार के लिए किताबें ली और मैं जाके बोर्ड छोड़ लिया, तीन चार दिन में बोर्ड लिख के जाता था कि जुमेरात से क्लास हो रही है। मैं जब दूसरी नमाज के लिए आता था बोर्ड मिटा होता था, यार ये क्या मसला है। मैं इसी तरीके से रोज जाता बोर्ड लिखता, मेरा रोज बोर्ड, फिर अभी उन्होंने ये किया कि मेरा बोर्ड गायब कर दिया। अब मैं बोर्ड ढूंढने के लिए जा रहा हूँ कि कल कौन रहा है ऐसा करूँ। तो मुझे मिला बोर्ड कहीं जो आगे उनके कहीं स्टोर के पीछे पड़ा हुआ, मैं फिर उठा लाया, फिर मैंने लिखा, फिर मैंने रख दिया। अब उन्होंने बोर्ड उठा के लॉकर रूम में रख दिया। जब मैं पढ़ाने गया हूँ तो मैंने पूछा यार ये कौन इस तरह का काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी ये हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज है उनसे इजाजत नहीं ली गई, आप एक इजाजत और बाकी है। तो यानी कि आप ये देखिए कि इस चीज में मुश्किलात बहुत आएंगे, आपको थोड़ा सा साबुत कदम रह के इस काम को करना। और ये काम मैं कहता हूँ बहुत ही कम खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अवेयर, सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस है कि इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है। अगर आपको अवेयरनेस आ जाती है, आपके अंदर शौक पैदा होता है, अल्लाह ताला की खास रहमत है कि वो जिसको चाहते हैं अपने काम के लिए चुन लिया। तो आप माशाल्लाह सारे चुने हुए लोगों में से हैं कि ये काम करने वाले, एक होता है सीखने वाले, आप माशाल्लाह उस्ताद बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक एफर्ट है जो कि अब माशाल्लाह रंग ला रही है। मुझे तो अब खुशी इस चीज़ की हो रही है कि मैं आप आया हूँ तकरीबन दो तीन महीने के बाद आया। मैं पिछले डेढ़ महीने मैं मतलब बीमार भी रहा हूँ, तो डेढ़ महीना मैंने क्लास पढ़ाई भी नहीं, मुझे उस चीज़ का बोरा होता था, अब माशाल्लाह मैंने दोबारा से कंटिन्यू कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एफर्ट है और आप लोगों की जिम्मेदारी से सीखने की नहीं, इसमें जल्द अज जल्द सीखें, एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा लगाना पड़ता है। एक होता है माशाल्लाह आप सब जहाँ पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब अपना टाइम लगा रहे हैं, हमें इस टीम को बढ़ाना है। और माशाल्लाह आप मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आपका अगला स्टेप ये है कि इसको जल्द अज, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करने वाला है। तो इसको सबसे पहले आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के इसको जल्द अज एक चार पांच महीनों के अंदर खत्म करें और आगे बढ़ाने वाले बने। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे और लोग खड़े हों नए और आप अपने अपनी जगहों पे काम करने वाले बने। अब मैंने इसको पढ़ाना तो कुछ नहीं है, बस यही था।